माइक नंबर एक में अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हो तो मैं वॉलंटियर हजरात से गुजारिश करूंगा कि वो उनको मौका दें। दिलीप कलंत्री, आई एम अ बिजनेसमैन। मेरे काफी मुस्लिम फ्रेंड्स थे, वो अक्सर कहते थे मुझे कि इस्लाम में ब्याज से धंधा, मतलब पैसा लेके धंधा करना गलत है। मुझे अक्सर अक्सर विचार आता था कि ये कैसे डेवलपमेंट होगा, लेकिन आज का प्रेजेंट सिनेरियो पूरे दुनिया का देखते हुए एक मानना पड़ रहा है कि जिसने अपना घर गिरवी रख के कर्ज लिया और प्रॉफिट जिसमें मिलता है उस शेयर बाजार में लगाया, उनका घर भी तबाह हो गया। ये जो साइंस आज आपने बताया कि इस्लाम एक साइंस है, जैसे साइंस के ऊपर भी काम करता है, तो ये जो बात उन्होंने आज के 1400 साल पहले अगर कही होगी कि ब्याज लेना गलत है, हराम है, उसके पीछे इसकी क्या फिलॉसफी थी, ये मैं जानना चाहूंगा सर। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इस्लाम में उनके बहुत से दोस्त, मुसलमान दोस्त कहते हैं कि ब्याज लेना हराम है। वो ये नहीं जानते थे क्यों हराम मिले। अभी पता चला कि जो दुनिया की हालत है इकोनॉमिक मेल्टडाउन में, वो जानना चाहते क्यों ये हराम है। और कुरान मजीद में कम से कम 8 जगह लिखा है ब्याज के बारे में। तो ब्याज लफ्ज है अरबी में रिबा, सूरह निसा में, सूरह इमरान में, और कहा गया है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 278 और 279 में कि आप ब्याज से दूर हो। और जो कोई ब्याज से दूर नहीं होगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल उन पर ऐलान जंग करेंगे। ब्याज इतनी बुरी बात है, गुनाह कबीरा है, और गुनाह कबीरा में इमाम अज़हबी ने उसे 11वें नंबर पर रखा, 70 गुनाह कबीरा में 11वें नंबर पर रखा। भाई साहब पूछे क्यों बुरा है, क्योंकि ब्याज से अमीर आदमी और अमीर होता है, गरीब आदमी और गरीब बनता है। अमीर आदमी और अमीर होता है, गरीब आदमी और गरीब बनता है। आमतौर पे आप जब लोन देने जाएंगे तो गरीब आदमी को लोन कहाँ मिलता है, तो अमीर आदमी बताएगा मेरे पास ये, मेरे पास वो है, तो उसको लोन मिलता है। तो अमीर और अमीर बनता है, गरीब और गरीब बनता है। इसीलिए कुरान में सूरह अल हशर में सूरह नंबर 59 आयत नंबर 7 में अल्लाह फरमाते कि ज़कात दो ताकि दौलत इंसानों के बीच घूमे, सिर्फ अमीरों में नहीं रहे। और ब्याज से क्या होता है, इन इस्लामिक फिलॉसफी हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, मुनाफा और नुकसान को हम बांटेंगे। मुनाफा और नुकसान बांटने से पूरी इकोनॉमी तरक्की करती है। और ब्याज से आप बैंक में ब्याज लेते हैं, मुनाफा या नुकसान 8%, 10%, 12%, आपको देना ही देना, नुकसान या मुनाफा। लेकिन जब आप देखते शेयरिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर नुकसान हुआ तो हम नुकसान शेयर करेंगे, प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट शेयर करेंगे। ब्याज में क्या होता है, मिसाल के तौर पे बैंक में, मैं एक लंबी तकरीर दे चुका हूँ इस पर, अभी वक्त नहीं है, सिर्फ ये बोलूंगा कि ब्याज में क्या होता है, मिसाल के तौर पे बैंक ए के पास सपोज 100 रुपया है, वो बैंक बी को 10 रुपया रख के 90 रुपया देती है बैंक बी को, बैंक बी उसमें से 9 रुपया रखता है, बाकी का 90% देता है बैंक सी को, बैंक सी 10% रखती, 90% देती डी को, डी देता ई को। तो लोग कहते हैं मार्केट में 1000 रुपये है कितने, 100 रुपया। तो आज की तहकीक कहती है मार्केट में फ्लोट हो रहा है $6 ट्रिलियन, है तो कुछ नहीं, बहुत कम, फ्लोट हो रहा है $6 ट्रिलियन। एक जन बैठता है सब लोग बैठने शुरू होते, लीमैन ब्रदर्स, कौन सोच सकता था कि लीमैन ब्रदर नंबर 1 बैठ जाएगा, उसके बाद सिटी ग्रुप, एक बेटा सब बैठते गए पूरी दुनिया में एक के बाद एक। तो क्योंकि इट डजेंट इंप्रूव द सोसाइटी। इस्लामिक पे के अंदर जांच पड़ताल होती, किसको लोन देना किसको नहीं देना, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है। सन 1980 में बैंक फंड करती थी गैम्बलिंग डेन को, शराब को, शराब खाने को, कॉमन हो गया। इसके बारे में अगर तकरीर मेरी सुनेंगे, इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी प्रोमल्गेट बाय द कुरान, रिबा किस तरीके से हराम है उसके ऊपर तकरीर मैंने की है, अगर वो सुनेंगे उसमें और डिटेल में मैं तस्करा कराऊं क्यों इंटरेस्ट हराम है। लेकिन इन शॉर्ट, वापिस से आज जापान, अमेरिका सेंडिंग एम्बेसरीज इस्लामिक बैंक के बारे में जानने के लिए, हमारी गवर्नमेंट के पास हम गए थे, मैं फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनसे जिक्र किया था कि अब इस्लामिक बैंकिंग क्यों नहीं शुरू, इंशाल्लाह करेंगे जब मेरी मुलाकात हुई थी जद्दा में। लेकिन आरबीआई परमिशन नहीं दे रही है क्योंकि उन्हें तहकीक नहीं की। इंग्लैंड दे चुकी है, कई ममालिक दे चुके, इंडिया भी अगर इस्लामिक बैंक को जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है अगर उसकी इजाजत दी तो इंशाल्लाह इंडियन इकोनॉमी भी बढ़ेगी इंशाल्लाह।
होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर एक में कोई गैर मुस्लिम भाई है तो उनको मौका दीजिए। कृष्ण गोपाल सिंह, पत्रकार। मैं विद्वान श्री नाइक साहब से ये जानना चाहूंगा कि आज के आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नजरिया है। भाई साहब ने सवाल किया है कि आज के आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नजरिया है, और मैंने एक तकरीर की है अंग्रेजी में भी, इस टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, और पूना में भी उर्दू में, हिंदी में, क्या आतंकवाद मुसलमान की विरासत है। अक्सर लोग समझते हैं आतंकवाद मतलब मुसलमान होना जरूरी है, और एक कहावत थी कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं लेकिन हर आतंकवाद मुसलमान। तो इस जुमले की वजह से मैं तकरीर की थी, वक्त की किल्लत है अभी, लेकिन आपने कहा कि आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नजरिया है। कुरान मजीद में साफ अल्फाज में लिखा है, सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, सिर्फ कत्ल के बदले कत्ल, और अगर वो इस जमीन पे फसाद फैला रहा है, इन दो वजह के अलावा कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, गोया के ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल करता है। कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है मासूम, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, अगर मासूम इंसान का कत्ल करता है, तो कुरान के आयते गोया के वो सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है, और अगर वो एक मासूम इंसान की जान बचाता है, चाहे मुसलमान या गैर मुसलमान हो, गोया के वो सारी इंसानियत की जान बचा रहा है। तो मुख्तसर सा ये जवाब है, अगर कोई मासूम लोग का कत्ल कर रहा है, इस्लाम में हराम है। मिसाल के तौर पे 9/11, 3000 से ज्यादा लोग का कत्ल हुआ ट्विन टावर के अटैक में, जो लंदन बॉम्बिंग हुए 50 से ज्यादा लोग मरे, जो बॉम्बे के अंदर ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 180 से ज्यादा लोग मरे, मासूम इंसान का कत्ल करना हराम है। ये सारे जितने अटैक्स थे किसने क्या, मैं जानता नहीं हूं। मीडिया कहती हो सकता है मुसलमान, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, जिसने भी किया उसने गलत किया, चाहे वो मुसलमान ने किया गैर मुसलमान ने किया, लेकिन अब तक ये सारे अटैक्स का कोई सबूत नहीं है कोई भी गवर्नमेंट के पास, ना यूएसए के पास, ना यूके के पास, ना इंडिया के पास। प्राइम सस्पेक्ट कहते हैं, लेकिन जिसने भी ये कत्ल किया चाहे मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, वो हराम है। लेकिन साथ साथ मुझे ये भी कहना है कि हजारों लोग जब अफगानिस्तान में उनका कत्ल हुआ बॉम्ब के जरिए, प्लेन के जरिए बॉम्ब गिराए गए, वो बॉम्ब जाके नीचे और बॉम्ब बनते हैं। इराक में लाखों लोग का कत्ल हुआ, अफगानिस्तान में, इराक में, ये बड़े दहशतगर्द है, और हजारों लोग का कत्ल किया जो गुजरात में हुआ। जब हम कहते हैं कि 9/11 को आप गलत कहो, ट्रेन बॉम्बिंग इन लंदन गलत कहो, जो बॉम्बिंग बॉम्बे में हुई वो गलत है, उसके साथ साथ ये भी कहो कि अफगानिस्तान में लाखों लोग का कत्ल हुआ वो भी गलत है, इराक में जो लाखों लोग का कत्ल हुआ वो भी गलत है, जो मासूम लोग का कत्ल हो रहा है पैलेस्टाइन में वो भी गलत है। हमें डबल स्टैंडर्ड नहीं करना चाहिए। पैलेस्टाइन में हो रहा है मासूम लोग का कत्ल हो रहा है, बच्चे लोग का कत्ल किया जा रहा है, वो यूएनओ नहीं बोलती है दहशतगर्द, क्यों डबल स्टैंडर्ड। तो जो भी मासूम इंसान का कत्ल कर रहा है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, वो दोषी है और हराम है। इस्लाम इसकी सख्त मुखालिफत करता है। नमस्कार साहब, मैं गांधी भाई गांधी, चेयरमैन शास्त्री राव पावलोम सेंटर। मेरा सवाल सिर्फ एक ही है, जेहाद का एक्चुअल मीनिंग क्या है, और जेहाद के नाम पे जम्मू कश्मीर में जो आज खून खराबा हो रहा उसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्या है। भाई साहब ने एक बहुत अहम सवाल पूछा। आज की तारीख में सबसे बदनाम लफ्ज इस्लाम में है वो है लफ्ज जिहाद, और जिहाद के बारे में सबसे ज्यादा गलत फहमी है सिर्फ गैर मुसलमानों को नहीं मुसलमानों को भी। अक्सर लोग समझते हैं कि जिहाद की मानी कोई भी मुसलमान अगर झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, चाहे जाति फायदे के लिए हो, चाहे अपने नाम के लिए हो, चाहे जमीन के लिए हो, चाहे पैसा के लिए हो, वो है जिहाद।
जिहाद के मानी ये नहीं कि कोई भी मुसलमान कोई भी वजह से लड़ाई कर रहा है, चाहे माल के लिए हो, चाहे नाम के लिए हो, चाहे जगह के लिए हो। जिहाद की मानी वो अरबी लफ्ज आता है जहदा से, मानी जिद्दोजहद, टू स्ट्राइव टू स्ट्रगल। इस्लाम के पस मंजर में जिहाद की मानी है अपने नफ्स से जिद्दोजहद करना, इविल इंक्लिनेशन के अगेंस्ट, जो अपना नफ्स बुरे चीजें चाहता है अपने नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद करने को कहते हैं जिहाद। अगर आप माशरे को सुधारने के लिए जिद्दोजहद कर रहे उसे कहते हैं जिहाद। अगर आप सेल्फ डिफेंस में लड़ रहे हैं उसे कहते हैं जिहाद। अगर आप ऑपरेशन के खिलाफ झगड़ा कर रहे उसे कहते हैं जिहाद। जिहाद के मानी है जिद्दोजहद करना। और अक्सर मीडिया में कहा जाता है जिहाद के मानी होली वॉर। सिर्फ गैर मुसलमान ने, कई मुसलमान भी इन्वर्टेड कॉमर्स में अपने आप को स्कॉलर समझते हैं, जिहाद का तर्जुमा करते होली वॉर, बिल्कुल गलत है। होली वॉर अरबी में हर्बुल मुकद्दसा। और अब कुरान मजीद उठाओ, कई भी कुरान मजीद में हर्बुल मुकद्दसा नहीं लिखा है, कोई भी हदीस में नहीं लिखा है। जिहाद के मानी होली वॉर नहीं है, पाक जंग नहीं है। ये लव होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था क्रिश्चियन क्रूसेडर्स के लिए, जब क्रिश्चियन क्रूसेडर्स क्रिश्चियनिटी के नाम पे हजारों लोग का कत्ल किए, उसे कहते थे होली वॉर। आज वो इस्तेमाल हो रहा है मुसलमान के लिए। जिहाद डजंट मीन होली वॉर। आपने कहा कि कश्मीर में जो हो रहा है मारना लड़ना झगड़ना, क्या जिहाद है? अगर वो जिद्दोजहद कर रहे हैं कुरान और हदीस के मुताबिक अपने नफ्स के खिलाफ, जो गलत चीज है उसके खिलाफ, माशरे को सुधारने के लिए, तो वो सही जिहाद है। और जिहाद दो किस्म के होते हैं। एक होता है जिहाद फी सबिलिल्लाह, अल्लाह के राह में जिहाद जो कुरान और हदीस के मुताबिक है। दूसरा जिहाद है जिहाद फी सबिलिल्लाह शैतान, तो शैतान के राह में जिहाद करना, जिद्दोजहद कर रहे माशरे को बिगाड़ने के लिए, उसे कहते हैं जिहाद फी सबिलिल्लाह शैतान। हर मुसलमान को करना चाहिए जिहाद फी सबिलिल्लाह, जिद्दोजहद कुरान और सही हदीस के मुताबिक। कश्मीर में क्या हो रहा है, मैंने कोई इंटरव्यू लिया नहीं उनका, जो मैं प्रेस में सुनता हूं, मैं इसकी तहकीक नहीं किया हूं। कुरान में लिखा है सूरह हुजरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई मालूमात आप तक पहुंचती है उसकी तहकीक करो तीसरे को पहुंचाने के पहले। मैं तहकीक नहीं किया हूं इसलिए कह नहीं सकता हूं कौन सा जिहाद है। लेकिन ये जो लड़ने झगड़ने की बात हो रही है, जो लोग अक्सर मुसलमान को दोषी ठहराते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने महाभारत पढ़ी? महाभारत में लड़ने झगड़ने के मंत्र कुरान से कई गुना ज्यादा है। महाभारत में लड़ने के श्लोक मंत्र कुरान मजीद से कई ज्यादा है। भगवत गीता, भगवत गीता एक महाभारत का हिस्सा है, 18 जुज 18 चैप्टर्स अनुशासन पर्व के, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को एडवाइस देते हैं, समझाते हैं। जब हम पढ़ते हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 मंत्रा नंबर 43 से 46 तक के, अर्जुन कहता है अपने जो हथियार है जमीन पर रख के, अर्जुन कहता है कि मैं इस मैदान जंग में निहत्ता मरने को पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदारों से लड़ूं और झगड़ा करूं। चंद श्लोक बाद भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 श्री कृष्ण कहते अर्जुन, हाउ कैन यू बी सो इंपोर्टेंट, हिंदी में तर्जुमा करूंगा, आप नपुंसक कैसे बन गए? क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, और आप अगर लड़ेंगे तो आप जाएंगे स्वर्ग में, भाग्यवान है वो क्षत्रिय। भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 31 भाग्यवान है वो क्षत्रिय जिसको लड़ने का मौका मिलता है। तो क्या भगवत गीता गलत है? इस पस मंजर में हम जानते हैं कि यहां श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से हक के लिए लड़ो। मैं अगर ये कहूंगा कि भगवत गीता कहता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है, पस मंजर के खिलाफ है। अगर मैं ऐसा कहूंगा कि श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से रिश्तेदारों का कत्ल करो, तो ये शैतानी हरकत है। मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दिगर मजहब का, मैं भगवत गीता पढ़ चुका हूं, इसका पस मंजर यह है श्री कृष्ण कह रहे कि हक के लिए सच्चाई के लिए लड़ो चाहे वो आपके रिश्तेदार हो।
तो सही है, उसी का जिक्र कुरान में है। जितने आयत अरुण शूरी और जो इस्लाम के एनिमीज है जो कोट करते हैं, पस मंजर में वो हक की लड़ाई है। जिस तरीके से भगवत गीता महाभारत में कई ज्यादा कुरान से ज्यादा लड़ने की आयत है, तो इसीलिए जब पसमंजर देखते पता चलता है उस किताब में क्या लिखा गया है। तो इस पसमंजर में मैं भगवत गीता के साथ हूं जब वो कहते लड़ने के लिए कि हक के लिए रिश्तेदार से भी लड़ो। वही आयत कुरान में सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युह लजीन आमनु, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युह लजीन आमनु, ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए हक की गवाही दो, हक के लिए बी विटनेस टू अल्लाह सुभान व तआला, चाहे वो अपने आप के खिलाफ हो, चाहे आपके वालदेन के खिलाफ हो, अमीर या गरीब। मतलब अगर गवाही देने के हक के लिए चाहे खुद का भी नुकसान हो फिर भी हक की गवाही दो। तो ये था इन शॉर्ट अबाउट जिहाद। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। खवातीन में कोई नॉन मुस्लिम हो तो सवाल कर सकती हैं। आई वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन, जो 5 टाइम की नमाज बोली गई है वो अलग अलग वक्त पे इंसानी जहन और जिस्म पर क्या क्या इफेक्ट डालती है या क्या क्या असर करती है, और ये नमाज का तरीका उसको भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए जो साइंटिफिकली बैकग्राउंड हो। थैंक यू। वन क्वेश्चन एट टाइम, एक सवाल। आपने 4-5 सवाल दिया, हर सवाल के ऊपर एक तकरीर दे सकता हूँ मैं माशाल्लाह। बहन ने सवाल किया कि नमाज 5 वक्त है, क्यों है, उसके क्या असरात है, क्या फायदे है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, हर सवाल पे एक तकरीर कर सकता हूँ। अल्लाह सुबहाना ताला ने नमाज मुसलमानों पे फ़र्ज किया है ताकि जिस तरीके से डॉक्टर कहते हैं कि इंसान को अच्छी सेहत रखने के लिए कम अज़ कम 3 बार खाना खाना चाहिए, उसी तरीके से अल्लाह सुबहाना ताला हमारे खालिक है। अल्लाह ने कहा कि कम अज़ कम 5 बार नमाज पढ़ो। इतनी बुराइयां हैं, इतनी गलत चीज है, और मैं तकरीर किया हूं सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, सलाह किस तरीके से इंसान को सही रास्ते पर रखती है। तो सही रास्ते पर रखने के लिए हाई चांसेस है, हाई पॉसिबिलिटीज है, इम्कानात है कि हम इतनी बुराई देखते हैं, वी कैन गेट डीप्रोग्राम। तो रीप्रोग्राम करने के लिए कम अज कम 5 वक्त जरूरी है इंसान को नमाज पढ़ने के लिए। इसके क्या फायदे है, कई सैकड़ों फायदे है, वक्त की किल्लत होने की वजह से चंद फायदे बयान करूंगा। वी कैन गिव अ लेक्चर ओनली ऑन द साइंटिफिक बेनिफिट्स। आज साइंस कहती है कि जब हम सलाह पढ़ते हैं, सबसे बेहतरीन जो सलाह का पोस्चर है वो है सुजूद, सजदा। इसीलिए कुरान मजीद में 92 टाइम्स सजदा का जिक्र है, सबसे बेहतरीन। और आज साइंस ये कहती है द हाई पॉसिबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रेन्स, मुंह की बीमारी आ सकती है जब हम सजदा करते हैं। द एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ ब्लड सप्लाई इनटू द फेस, और खून दौड़ता है मुंह की तरफ, लेस चांसेस ऑफ हैविंग चिल्ड्रेन होने के इम्कानात कम हैं। अगर कोई इंसान को बीमारी है साइनसाइटिस की, जब हम सजदा करते हैं द साइनस इज फ्लो आउट, इथमोइडल साइनस, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, ये सब ड्रेन होता है। और जब हम सजदा करते हैं देयर लेस चांसेस ऑफ ब्रोंकाइटिस बिकॉज द ब्रोंकियल ट्री गेट ड्रेन्ड आउट। उसके बाद आज साइंस ये कहते हैं आमतौर पर जब हम सांस लेते हैं सिर्फ 2/3, 2/3 हिस्सा, 2/3 एयर एक्सहेल आउट होती है, हम बाहर फेंकते हैं और 2/3 एयर नहीं लेते हैं, 1/3 एयर इज कॉल्ड एज रेसिडुअल एयर। जब हम सजदा करते हैं एब्डोमिनल विसरा जो पेट के जो आजा है वो डायफ्राम को प्रेस करते हैं, डायफ्राम प्रेस करता है लोअर लोब्स ऑफ लंग फेफड़े को, ये बाकी 1/3 एयर भी एक्सहेल आउट होती है और न्यू फ्रेश एयर अंदर आती है, लेस चांसेस ऑफ डिजीज ऑफ द लंग्स। द एब्डोमिनल विसरा देयर इज इंक्रीज ब्लड सप्लाई, देयर इज लेस चांसेस ऑफ पाइल्स। मैं इसके ऊपर तकरीर कर सकता हूं। जब हम रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, ऊपर नीचे बैठते हैं, देयर इज लेस चांसेस ऑफ हैविंग डिजीज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जब हम ऊपर नीचे जाते हैं द ब्लड सप्लाई, कार्व इज नोन एज द एक्सटर्नल हार्ट, कार्व जो है हमारे पैर का नीचे का हिस्सा, जब हम ऊपर आते हैं तो ब्लड सप्लाई टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज गिवन।
ऐसे कई साइंटिफिक बेनिफिट्स है, और जानने के लिए आप मेरी तकरीर सुनिए सलाह द प्रोग्रामिंग टू राइचियसनेस। लेकिन हम मुसलमान ये साइंटिफिक बेनिफिट के लिए नहीं पढ़ते, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा नमाज पढ़ो, हम पढ़ते हैं। ये साइंटिफिक बेनिफिट साइड डिशेज है, साइड डिशेज है जो गैर मुसलमान को शायद मुतासिर करे। हमारी बिरयानी मेन कोर्स मील है अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए, अल्लाह से हिदायत पाने के लिए। वन में जी भाई साहब। ब्रदर माय नेम इज स्टैनिश गिल, आई एम अ बिजनेसमैन एंड आई शुड से दैट इट्स अ प्रिविलेज एंड हॉनर टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू एंड टॉक टू यू। ब्रदर आई एम अ क्रिश्चियन बिलीवर। Now, with my limited understanding, what I understand is there are major similarities between both of the religion, but at the very same time, there are some differences. Like in Islam, Jesus Christ is not given the same kind of importance what we give, like he has been treated as normal prophet. This is my limited understanding. What I wanted to understand, the major difference is we give more importance to Jesus Christ after God. We believe in God, Father, Son and the Holy Spirit. Now we believe in Jesus, we give him more importance than other prophet, and we give importance to Holy Spirit. Now in Jesus Christ, we all know that Jesus Christ was born miraculously, and if I have to take what I have heard from you and your TV series, like his entry and exit was miraculous, he did so many miracles when he was there, and he will be back in the judgment day. So why in Islam he has not been given the same importance and Holy Spirit is not given importance? Bhai sahab ka sawal hai ke Islam aur Isaiyat mein kai ikhtaniyat hai lekin ikhtilaf bhi hai. Ek ikhtilaf ye hai ke hum Isa alaihi salam ko aur tarjeeh dete hain musalman se zyada, aur hum mante hain khuda khuda ka beta hai aur khuda bhi hai, mante eternity mein, lekin musalman use aam paigambar mante hain. और कुरान में जब कहा गया है कि उनने कई चमत्कार किए, कई मौजज़ा किए, मौजज़ा के ज़रिए पैदा हुए, मुर्दों में जान डाली, तो उन्हें आम पैगंबर क्यों मानते हैं? सवाल का जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मज़हब है जिसके मानने वालों को फ़र्ज़ है कि ईसा अलैहिस्सलाम में मानो। अगर कोई मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। हर मुसलमान के लिए फर्ज है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने। हम ये मानते हैं कि वो अल्लाह सुबहाना व तआला के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे। आम पैगंबर ने हदीस में जिक्र आता है कि पांच अजीम पैगंबर है, उनमें से एक ईसा अलैहिस्सलाम। आम पैगंबर ने ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुबहाना व तआला के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे, और हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मसीहा थे, ट्रांसलेटेड क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि वो चमत्कार के जरिए, मौजज़ा के जरिए, विदाउट एनी मेल इंटरवेंशन पैदा हुए, बिना बाप के पैदा हुए। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को रोशनी दी और जो लोग को कोड था उन्हें सही किया अल्लाह की मदद से। मुस्लिम और ईसाई एक साथ जा रहे, भाई साहब ने सही कहा, जब एक साथ जा रहे हैं तो इख्तिलाफ क्यों? सबसे अहम इख्तिलाफ यह है कि कई ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है या खुदा का बेटा है, जो हम मुसलमान इसे हरगिज नहीं मानते। जब कहते हैं गॉड सन ऑफ गॉड, दे बिलीव इन ट्रिनिटी, खुदा को, खुदा का बेटा को, होली स्पिरिट को, लेकिन ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। ये एक अहम इख्तिलाफ है। छोटा इख्तिलाफ और है, सबसे अहम इख्तिलाफ है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का बेटा है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, मैं तालिब इल्म हूँ जिक्र मजहब का, मैं बाइबल पढ़ चुका हूँ, बाइबल में एक भी वर्स नहीं है जिसमें साफ तौर पर बिना कोई शक, बिना कोई शुबा लिखा हुआ है जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ या आप मेरी इबादत करो। अगर आप कोई भी बाइबल में से एक वर्स दिखा सके मुझे जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं बिना कोई शक के, बिना कोई शुबा के, और कहते हैं कि मेरी इबादत करो, मैं क्रिश्चियन बनने को तैयार हूं आज ही। मैं बाकी मुसलमानों के तरफ से बात नहीं कर रहा हूं, वो इस्लाम और दीगर मजाहब के तालिब इल्म नहीं है। मैं अपने आप को, अपने सिर को
कुर्बान करने को तैयार हूं। अगर आप कोई भी बाइबल में से एक वर्स दिखाए मुझे बिना शक के, बिना शुबा के, या ईसा अलैहि सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। जब आप बाइबल का मुताला करते में पता चलता है कि ईसा अलैहि सलाम खुद कह रहे हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28 में ईसा अलैहि सलाम खुद कहते हैं मैं फादर गिरे दिन आए, मेरे वालिद मेरे खुदा मेरे से ज्यादा अजीम है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29 माई फादर इज ग्रेटर देन ऑल, खुदा सबसे ज्यादा अजीम है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28 आई कास्ट आउट डेविल्स विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतानों को भगाता हूं अल्लाह की मदद से। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20 आई कास्ट आउट डेविल्स विद द फिंगर ऑफ गॉड, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, एज आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर। आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता हूं, एज आई हियर आई जज, जिस तरीके से मैं सुनता हूं उस तरीके से फैसला करता हूं, एज आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर, क्योंकि मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता हूं, जो खुदा चाहते वही करता हूं। अगर कोई भी इंसान ये कहता है कि जो खुदा चाहते मैं करता हूं, उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम। ईसा अलैहि सलाम मुस्लिम थे, उन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि वो ईसाई थे। अब पूरे बाइबल में वर्ड क्रिश्चियनिटी बाइबल में है ही नहीं, पूरे बाइबल की आप छान करो, वर्ड क्रिश्चियनिटी नॉट देयर इन द बाइबल। एक वर्ड है क्रिश्चियन इन द बुक ऑफ एक्ट्स, वो लकब दिया गया था ईसा अलैहि सलाम के मानने वालों को, क्रिश्चियन लकब। आप आगे पढ़ते लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 में वर्स नंबर 24 में द वर्ड्स दैट यू हियर आर नॉट माइन बट माय फादर हु हैज सेंट मी, जो आप अल्फाज सुन रहे ईसा अलैहि सलाम कहते हैं वो मेरे नहीं है, वो खुदा के हैं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3 में दिस इज लाइफ इटर्नल सो दैट यू मे नो देयर इज वन गॉड एंड जीसस क्राइस्ट हुम थाउ हैज सेंट, यू मे नो दिस इज लाइफ इटर्नल। और अब ये जान लो खुदा एक है और ईसा अलैहि सलाम को उस खुदा ने भेजा, और साफ अल्फाज में लिखा है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में ई मैन ऑफ इज़राइल लिसन टू दिस, जीसस ऑफ नाज़रेथ अ मैन अप्रूव्ड ऑफ गॉड अमंगस्ट यू बाय वंडर्स एंड मिरेकल्स व्हिच गॉड डिड बाय मैन यू विटनेस टू इट। ए इज़राइलो सुनो, जीसस ऑफ नाज़रेथ, जीसस तो नसारा के थे, अ मैन अप्रूव्ड ऑफ गॉड, एक इंसान है जिसको खुदा ने चुना आपके बीच, amongst you by wonders and miracles, और उसके जरिए चमत्कार दिखाए, मौजदा दिखाए, wonders and miracles which God did by him, और खुदा ने उनके जरिए किए। तो ये साफ बाइबल कह रहा है कि ईसा अलैह सलाम एक इंसान थे, आम नहीं थे लेकिन पैगंबर थे, लेकिन खुदा नहीं थे, और जितने भी चमत्कार मौजदा किए वो खुदा ने उनके जरिए किए। तब ये समझ सकते कि ये ईसाई लोग की गलत फहमी है कि उनके फादर उनके प्रीस्ट उनको कहते हैं कि ईसा अलैहि सलाम खुदा है। बाइबल में एक भी वर्स नहीं है जहां कहा गया है बिना कोई शक बिना कोई शुबा ईसा अलैहि सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं। जब ईसा अलैहि सलाम नहीं कहते तो आप क्यों कहना चाहते? इसीलिए हम मुसलमान ईसा अलैहि सलाम की और इज्जत करते हैं। अगर आप ईसा अलैहि सलाम का कहना नहीं मानते तो मेरे हिसाब से आप ईसा अलैहि सलाम की इज्जत नहीं करते। तो ये कहना कि ईसाई ईसा अलैहि सलाम की इज्जत और करते बिल्कुल गलत है। हम मुसलमान ईसा अलैहि सलाम की इज्जत और करते हैं। अगर आप तहकीक करेंगे ईसा अलैहि सलाम की खतना हो चुकी है, क्या क्रिश्चियन लोग खतना करते मुसलमान खतना करते? ईसा अलैहि सलाम आप देखेंगे बाइबल में लिखा हुआ है, क्या आपको हर एक चीज बाइबल की फॉलो करना चाहिए? लिखा है बाइबल में इन द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7-8 क्या आप सुअर का गोश्त मत खाओ, खीर का गोश्त मत खाओ। बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8 बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 65 वर्स नंबर 2-5 हम सुअर का गोश्त नहीं खाते, आप लोग खाते। हिजाब करना है लिखा है बाइबल में फर्स्ट टिमोथी चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 9 फर्स्ट बुक ऑफ कोरिन्थियंस चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 5-6 हम हिजाब करते आप नहीं करते। तो इसीलिए ईसाई का मतलब ये अगर है कि ईसा अलैहि सलाम का कहना मानना, तो हम मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है। अगर ईसाई का मानना ये कि ईसा अलैहि सलाम को खुदा मानना, तो हम ईसाई नहीं है। लेकिन ईसाई के मानी ये है
कि ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानना तो हम मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है। और मैं आपको दावत देता हूं कि आप भी और अच्छे ईसाई बनो और इस्लाम को कबूल करो और ईसा अलैहिस्सलाम की और इज्जत करो। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। एक सवाल की गुंजाइश है, मैं सिख भाई से कहना चाहता हूं कि आप अपना सवाल मुख्तसर तौर पर और शॉर्ट में करें। मैं कहूंगा, मेरा ये सवाल ये है कि हमारे सिख धर्म और हिंदू धर्म में जानवर का गोश्त खाना सख्त मना है, गुरु नानक साहब ने एकदम सख्त मनाई दी है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके कुरान में भी इस तरह कहा गया है कि आप जानवर का गोश्त खा सकते हैं। भाई साहब, वक्त खत्म होने की वजह से हमें लिहाज रखना चाहिए जो ये रूल है देश का। कुरान मजीद में कई आयतें, सूरह नहल सूरह नंबर 16 में, सूरह माईदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में जहाँ लिखा गया है कि वो जानवर जो हलाल है, जो चौपाइये है, मिसाल के तौर पे भेड़ बकरी गाय, इसका गोश्त खा सकते हैं। जो मुमानियत है वो सूअर का गोश्त, उसके अलावा जो भी हर्बिवोरस एनिमल है जो घास फूस खाते हैं, वो जानवर को अगर बराबर से ज़बह किया गया है उसको आप खा सकते हैं। और मालूमात के लिए आप मेरा डिबेट देखिए, इस नॉनवेज फूड परमिटेड और प्रोहिबिटेड फॉर द ह्यूमन बीइंग। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक ज़रूरी ऐलान, आपने अल्हम्दुलिल्लाह सब्र का दामन थामे रखा और साथ दिया इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में। अब आखिरी वक्त है अभी जाने का, सब लोगों के निकलने का, एग्जिट एक ही है, इसलिए इंतहाई इत्मीनान के साथ, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ की तकलीफ से दूसरा मुसलमान बचा रहे, इसलिए इत्मीनान के साथ आहिस्तगी के साथ तशरीफ लेकर जाएं। जज़ाकअल्लाह।